दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से निकली हुई रिक्रूटमेंट महिला सुपरवाइजर भर्ती 2023 के बारे में। जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 11,531 पदों पे ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है। मोस्टली महिलाओं के लिए वैकेंसी है, इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे है, लेकिन स्पेशली यहाँ पे महिला सुपरवाइजर वाली वैकेंसी इसमें है, जो कि योग्यता 10th 12th क्लास यहाँ पे रखी गई है। अगर 12वीं क्लास आपने पास कर रखी है तो आप तीनों ही वैकेंसीज के लिए अवेलेबल हो, यानी कि जो आशा सहयोगिनी वाली पोस्ट है या कार्यकर्ता वाली पोस्ट है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं क्लास पास है, जो कि कार्यकर्ता या फिर आशा सहयोगिनी के लिए है। इसके अलावा सैलरी की अगर मैं बात करूं, यहां पे 15,500 मिनिमम सैलरी है कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी वाली। इसके अपर वाली जो पोस्ट है महिला सुपरवाइजर वाली, वो 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी जो 30 तक जाती है, 30-35 तक भी हो जाती है। इसके अलावा पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे, नीचे लिंक दे रखा है, वहां पर भी जाके इसके बारे में पूरी डिटेल्स ले सकते हो आप। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में अभी यहां पे महिला और बाल विकास विभाग भर्ती 2023 के जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ उसके बारे में, जो सुपरवाइजर आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के लिए है 11,531 पदों पे। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकेंगे। वैकेंसी तीन तरह की है, महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता। ये तीनों वैकेंसी मेल फीमेल दोनों के लिए है, यानी कि एक तरीके से ये कोई महिला वाली नहीं है, एक तरीके से महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो वैकेंसी है महिलाओं के लिए है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो महिला सुपरवाइजर अगर लिखा हुआ है तो ये वैकेंसी खाली, ये दोनों वैकेंसी यहाँ पे महिलाओं के लिए मोस्टली है। इसके अलावा यहाँ पे कार्यकर्ता वाली में कुछ एक जगहों पे पुरुष भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये महिला बेस्ड वैकेंसी जो है इसमें करंट में यहाँ पे जो वेतनमान चल रहा है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 35,500 यानी कि फिक्स वेतन मिलेगा महिला सुपरवाइजर को, आशा सहयोगिनी को 12,600 और कार्यकर्ता को 14,500। ये करंट में अभी चल रहा है यहाँ पे, अभी जो फिलहाल अगस्त सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगस्त में यहाँ पे जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा हो सकता है ये बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल कम से कम इतना तो आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको इसका पाठ्यक्रम बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे निम्न प्रकार से है। ये देख सकते हो सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर के नॉलेज आपसे मतलब आपको होनी चाहिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे, और ये 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और ये खाली और खाली सुपरवाइजर पद के लिए एग्जाम होगा, इसके अलावा दोनों वैकेंसीज मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, एग्जाम नहीं होगा। ये सिलेबस नीचे दे रखा है, जो भी मैं बताया उसका यहाँ पे नीचे पूरा डिटेल्स दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे 1/7/2023 तक आपकी आयु 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 5 साल 3 साल की छूट के साथ में, यानी कि अगर आप 5 साल की छूट लेते हो तो ही यहाँ पे 40 से ऊपर जा सकती है, अन्यथा नहीं जा सकती। इसके अलावा पूरी डिटेल्स यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो सुपरवाइजर के लिए 12th क्लास पास, 8th क्लास पास, आशा सहयोगिनी के लिए, कार्यकर्ता के लिए 10th क्लास पास आपका मांगा गया है। तो सिंपल सा यहाँ पे यही है, आपकी अगर 8th और 10th क्लास आपने पास कर रखी है तो आपके मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। वहीं 12th क्लास पास कर रखी है तो आप सुपरवाइजर के लिए आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा आवेदन कैसे करना है, डेट्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है, 26/9/2023 से लेके 27/10/2023 तक यहाँ पे इसकी अंतिम तिथि है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो, इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो इस एग्जाम के लिए, तो नीचे लिंक दे रखा है, चेक कर लीजिए, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही। धन्यवाद।